हेलो फ्रेंड्स, नई शिक्षक नियमावली 2023 के तहत अब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें शिक्षकों की चार तरह की कैटेगरी बनाई गई है। जिन शिक्षकों की भर्ती 9 से 10 वर्ग के लिए होगी, उनके लिए इस वीडियो में उस कक्षा के सामान्य अध्ययन से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। यह प्रश्नों का चौथा सेट है। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अपवर्जन से के आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जन के आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली देश से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण के मानवतावादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण के मानवतावादी आंदोलन का जनक पेट्रार्क को माना जाता है। किसे? पेट्रार्क। अगला क्वेश्चन, नरेगा का परिवर्तन किस वर्ष में हुआ था? तो नरेगा का परिवर्तन 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, SI पद्धति में कितने आधारी मात्रक होते हैं? तो SI पद्धति में 7 आधारी मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता किसे कहते हैं? प्रदीप्ति तीव्रता को इंग्लिश में इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। अगला क्वेश्चन, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं? तो पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को आयतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को हम ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस औषधि विज्ञानी और शल्य चिकित्सक को कुमार भज कहा जाता है? कुमार भज, इसे जीवक जो है ना, जीवक को ही हम कुमार भज कहते हैं, जो औषधि विज्ञानी और शल्य चिकित्सक होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखने का संबंध किस क्रिया से है? तो सर्दियों में प्रातःकाल के कोहरे को देखना संघनन की क्रिया से है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह कौन सा लेंस है? तो वह अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो धरातल पर 1 अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा अक्षांश पर रात और दिन समान होते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप बनकर ऊपर उठना का संबंध किस क्रिया से है? तो गर्म जल पर जल छिड़कने से भाप बनकर उठना वाष्पन की क्रिया है। अगला क्वेश्चन, गीले कपड़ों पर स्त्री करते समय भाप का ऊपर उठना किस क्रिया से संबंधित है? तो गीले छड़ और गीले कपड़े दोनों का एक ही संबंध है, इसलिए इस क्रिया से वाष्पन का ही संबंध है। अगला क्वेश्चन, पुराने अखबार, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों की कुछ प्रतिक्रियाओं द्वारा नए उपयोगी रूप में परिवर्तित करना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो पुराने अखबार, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों की को कुछ प्रतिक्रियाओं द्वारा उपयोगी रूप में परिवर्तन करना पुनर्चक्रण की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? भारत में कुल देशांतरों की संख्या 360 है। अगला क्वेश्चन,
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। अगला क्वेश्चन, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। अगला क्वेश्चन, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो रोजर फेडरर का संबंध टेनिस खिलाड़ी से है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो खेल सिखाते हैं उन्हें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। कहाँ था? लोथल में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह के 30 प्रश्नों का सेट लेकर आएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।